नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मॉम बहुत डांटेंगी। मेरे घर के बारे में तो सोचना भी मत। तो सुनियो, क्या तुम इसे अपने घर रख सकते हो? पर ये अच्छी ब्रीड का तो है ना जियान? अच्छी ब्रीड का? देखो सुनियो, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। फिर मैं नहीं ले जा सकता। मेरे घर पर जो डॉग है वो बहुत ही अच्छी ब्रीड का है, और वो पीढ़ियों से इंग्लैंड की सबसे बढ़िया ब्रीड्स में से एक है। इसे देखो, है ना बढ़िया? पर ये तो मिलता जुलता है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है और वो वाला थोड़ा सा बड़ा। क्या कहा तुमने, मिलता जुलता है? नोबिता तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देखो मेरा ये डॉग तुम्हारे इस पपी से बहुत अच्छा है। क्या कोई हमारे पपी को घर ले जा सकता है? ये एक बहुत ही प्यारा पपी है। ऐसा कोई नहीं जिसे डॉग चाहिए। आइए और ले जाइए। कितना प्यारा है। क्या आप इसे ले जा सकती हैं? मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं ले जा सकती बेटा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर क्यों नहीं है? देखिए आजकल इसका चलन नहीं है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, सॉरी। सारी मेहनत बेकार गई, अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे हालात हैं तो नोबिता इसे तुम्हें ही पालना होगा। क्या? वो इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले डोरेमोन को मिला था, ठीक है ना? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि रास्ता साफ है, जल्दी से आ जाओ नोबिता। मैं आ गया। तुम्हारा स्वागत है। इतनी तेज मत भौंको वरना मॉम यहाँ पर आ जाएंगी। डोरेमोन, अब हमें क्या करना होगा, बताओ तो जरा। ओह, सोचने का समय तो दो। जरा रुको, डोरेमोन को सोचने दो, वो एक बढ़िया प्लान बनाने वाला है। ओह, क्या हो सकता है? हाँ, वो वाला गैजेट, स्मॉल लाइट। अरे वाह, तो हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं। हाँ, सही समझे। ये कितना छोटा और प्यारा दिख रहा है। सच में अब इसे भूख लगी होगी, इसे कुछ खिलाना चाहिए। सही कहा, रुको तो। ये लो तुम्हारा खाना, और ये लो तुम्हारे लिए दूध, तुम्हें पसंद आएगा। ओ, पी रहा है। अब ये खुश लग रहा है। पता है, इसने ब्रेड और दूध पिया था इसलिए खुश लग रहा है, और ये ना मुझे बहुत पसंद है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। कितना प्यारा लग रहा है ना, हथेली पर बैठा हुआ एक पपी। मैंने इसका नाम रखा है चीबी, कैसा है? क्या कहा, चीबी? ये अपने नाम की तरह ही छोटा है। नाम इसे सूट कर रहा है। मेरे ख्याल से असली डॉग वो होता है जो साइज में बहुत ही बड़ा हो। अरे हाँ, ये बिल्ली के बच्चे भी। अगर तुम इन्हें भी छोटा कर दो तो पाल सकते हो। मैं इन्हें छोटा कर देता हूँ और तुम खुद ही पाल लो, ठीक है? मैं इन्हें नहीं पाल सकता, मेरी मम्मा को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बेचारे ये पपी। नोबिता, देखो मुझे एक बहुत ही प्यारी बिल्ली मिली। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो यहाँ मत चले आया करो। ये तो कितने सारे हो गए हैं। ये भले ही छोटे हों लेकिन इनके शोर से मॉम को शक हो सकता है। नोबिता, जंगली बंदर घुस आए हैं और वो फसलें बर्बाद कर रहे हैं। नोबिता, डोरेमोन खाना तैयार है, लेकिन अभी तक हाँ। नहीं हुई है। चलो खाना खाएं। सोच रहा हूँ मैं भी खाना खा ही लूँ। हाँ, आपको भूख लग रही होगी। बस थोड़ा सा ही जूस बचा है। आपने बहुत जूस पी लिया है, आप खाना खा लीजिए। पता नहीं क्यों मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि पप्स और बिल्ली के बच्चों की। पप्स और बिल्ली के बच्चों की आवाजें आ रही हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अब तो मुझे भी सुनाई दे रही है। हाँ, मैं शायद ऊपर की खिड़कियाँ खोल कर आ गया हूँ, मैं बंद करने जाऊँ। हाँ, ये क्या हुआ? डोरेमोन, जल्दी करो, यहाँ पर आके रहो। ये तुम अपने कमरे में क्या लेकर आ गए हो? ये तो पॉप्स और बिल्ली के बच्चे हैं। मदद कीजिए ना। रुक जाओ, रुक जाओ। डैड, हमें
में पाल ले तो कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हम इन्हें छोटे साइज में ही पाले तो ये आसानी से हमारे साथ रह सकते हैं, है ना मॉम डैड? हाँ? जानवर उस जमाने में है जिसमें उनके लिए एक आम जिंदगी जीना मुश्किल है। अरे आइडिया, क्या पहले के जमाने में ऐसे लोग नहीं होंगे जो इन जानवरों को अपनाना चाहते होंगे? जरूर होंगे। क्या टाइम मशीन? अगर हम पहले के जमाने में जाए तो हमें कोई ना कोई मिल सकता है दोस्तों। ये तो अच्छा रहेगा, मैं भी साथ में चलूंगा। सुनियो, ऐसे वक्त पर तुम बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हो, है ना? नोबिता, मैं भी चलूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये पप्पी और बिल्ली के बच्चे सेफ हाथों में जाएं। बढ़िया, तो चलो चलते हैं। हाँ, चलो। तो अब हम पहले के जमाने में जा रहे हैं दोस्तों। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। ये जगह बिल्कुल ठीक लगती है। ये तो टेंपल जैसा लग रहा है। उन छोटे छोटे बच्चों की मदद परियां करने आती हैं, और जब वो जाने लगते हैं तो कौन हो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुड आफ्टरनून। दरअसल हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि आप कौन हैं आंटी? आंटी का क्या मतलब है? आंटी से माफ कर दीजिए प्लीज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुरासाकी शिकिबू। अभी देखता हूँ कि ये है कौन। हाँ, ये परियों की कहानी की लेखिका है दोस्तों। परियों की कहानी? मुझे इस कहानी का नाम नहीं सूझ रहा जो मैं अभी लिख रही हूँ, पर परियों की कहानी नाम अच्छा लग रहा है। मैं अपनी कहानी का नाम यही रख दूंगी। अच्छा, तो मैं अभी आती हूँ। कोई और काम है क्या? हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो पपीज और बिल्ली के बच्चे अपना लें। आप अपनाएंगी? बोलिए। पपीज तो बहुत शोर मचाते हैं, ये मेरे काम के लिए अच्छा नहीं है। बिल्ली के बच्चों को तो मैं पाल सकती हूँ। अरे ये वहाँ पर क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। प्लीज इसे प्यार से रखिएगा। ओह, ये कितना प्यारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश, ठीक गए। बारिश रुकने तक हम यहीं ठहरते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जगह कुछ अजीब सी है, वो भी नहीं पता। पता नहीं हमें यहाँ कोई मिलेगा भी या नहीं जो इन्हें लेना चाहे। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई मिल भी पाएगा। कोई तो होगा। ये क्या हो रहा है? अगर हम थोड़ी देर वहाँ रुकते तो नहीं बचते दोस्तों। मेरी बात सुनो, यहाँ पर हम बातें बनाकर लोगों को ये पेट्स नहीं दे सकते। लगता तो मुझे भी नहीं है जियान। क्या ऐसा कोई गैजेट नहीं जो लोगों को खोजने में हमारी मदद करे? नहीं नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज नहीं है? मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। यहाँ शोर मत मचाओ। तुम लोग चुपचाप नहीं जा सकते क्या? अरे अब ये कौन है? तुम लोग मुझे नहीं जानते, वैसे तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता। असल में हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो पपी या बिल्ली को पाल ले। है? अगर तुम्हारे पास बिल्ली है तो उसे मैं ले लूँगा। क्या सच में? पर मैं नहीं चाहता बिल्ली का बच्चा यहाँ लड़ाई में फंसे। चिंता मत करो, मैं इसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती हो। तुम्हारा नाम क्या है? हियोशिमारु। हियोशिमारु? जहाज का नाम लगता है। हियोशिमारु, हियोशिमारु। अरे ये तो बड़ा होकर बहुत मशहूर बनेगा। इसे बिल्ली का बच्चा देना ठीक रहेगा। ये लो, इसे तुम्हारे हवाले करते हैं। शुक्रिया, ये तो सच में बहुत ही प्यारी है।
अब हम लोग चले। हाँ। तो अब हमारे पास एक बिल्ली और तीन पपीज बचे हैं। डोरेमोन प्लीज अब किसी और लड़ाई वाले जमाने में मत चले जाना। हाँ बस बहुत देख लिया, अब हमें वो सब और नहीं देखना। किसी अच्छी जगह चलो। हाँ हाँ मैं समझ गया, किसी अच्छी जगह ही ले जाऊंगा। क्या तुम्हें ये कोई अच्छी जगह लगती है? क्या है, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या मस्ती कर रहे हो तुम लोग? यहाँ से शाही डॉग की सवारी निकलने वाली है, जल्दी से झुक जाओ वरना सजा मिलेगी तुम लोगों को। सुना नहीं क्या तुमने? जल्दी से अपना सर झुका लो सब लोग। पता नहीं ये क्या हो रहा है। तुम शायद इस शहर के नहीं, इसलिए नहीं जानते कि हमारे शहर के राजा ने एक नया कानून बनाया है कि सब जीवों पर दया करो। इस कानून के तहत वो जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं और अगर कोई उन्हें तंग करे तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जाती है, समझ लो ये बात। असल में हम एक ऐसे आदमी की तलाश में है जो एक पपी को अपना ले। क्या? अच्छा तो इसका मतलब तुम किसी ऐसे की तलाश में हो जो तुमसे एक पपी ले ले। सही कहा। तो तुम वो मुझे ही क्यों नहीं दे देते? ये लीजिए। शुक्रिया। कितना प्यारा है ये पपी, अब तो मेरे साथ रहेगा, हम लोग खूब घूमेंगे मस्ती करेंगे, है ना? बताओ मजा आया ना? मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे बहुत प्यार से रखेगा, है ना? अब बिल्ली का एक बच्चा और दो पप्स बचे हैं। अब हम एक अलग जमाने की नई जगह पर आ गए हैं दोस्तों। ये आदमी तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो पपीज अपना ले। मुझे ताकामोरी साइगो कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई डॉग है तो उसे मैं ले लूंगा। मैं हमेशा से ही एक डॉग रखना चाहता था। ये तो कुछ जाना पहचाना से लग रहा है ना? सही कहा, मुझे भी। क्या तुमने इसके बारे में पहले सुना है जियान? तुमने भी से क्या मतलब है? तो तुम क्या बोलना चाह रहे थे मेरे बारे में? कुछ नहीं। तो जल्दी बताओ वो डॉग मुझे दे रहे हो या नहीं? ये लीजिए। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये डॉग बहुत ही प्यारा है। और अब सिर्फ दो बचे हैं। ये जमाना कितना शांत है ना दोस्तों, देखो कोई आ रहा है। लगता है मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? तो इसका मतलब आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हम किसी ऐसे की तलाश में हैं जो हमसे कैट या डॉग का बच्चा ले ले। ऐसी बात है तो तुम कैट या डॉग का बच्चा मुझे दे सकते हो? हाँ जरूर। ओह कितना प्यारा है, वैसे नाम क्या है इसका? अभी कोई नाम नहीं है। बस अब इसके लिए ही एक घर ढूंढना बाकी बचा है। चिपी गया तो मुझे अकेलापन महसूस होगा, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम उसे कैसे दे पाओगे नोबिता? अब हम किसी और जमाने में चलकर देखते हैं। हाँ चलो चले। सुनो नोबिता, इसे वैसा ही बना दो जैसे ही पहले था। हाँ जरूर। ये कौन सी जगह है? डोरेमोन हम कहाँ आ गए हैं? पता नहीं, लगता है यहाँ हमला हुआ है। हाँ, क्या ये सच है? लेकिन एक बात बताओ, ये जगह ऐसी क्यों दिख रही है डोरेमोन? चीबी लगता है तुम इसे खूब खिलाते पिलाते हो। क्या ये तुम्हारा डॉग है?
मॉम, क्या इस छोटे डॉगी को मैं अपने पास रख लूं? ये तुम क्या कह रहे हो? हमें पता नहीं कि हमें कल का खाना मिलेगा भी या नहीं। ऐसे में तुम इसे पालना चाहते हो? मॉम, मैं इसका ध्यान रखना चाहता हूँ। हम इंसानों की वजह से ये लड़ाई में फंस गया। ये खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता है मॉम। ये अभी बहुत छोटा है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हमें इस डॉगी को अपने साथ रख लेना चाहिए। बहुत सही कहा। थैंक यू सो मच मॉम। क्या अब इसे मैं अपने पास रख लूं? क्या तुम वाकई इसे रखोगे? रुक जाओ नोबिता। रुको जरा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे वक्त में वो चीबी को सही से पाल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। क्या वो चीबी का अच्छे से ख्याल रखेगा? बिल्कुल सुनियो, रखेगा है ना सुनियो? तुम ठीक कहते हो। अब तुम चीबी का अच्छे से ख्याल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ नोबिता। बस करो सुनियो, तुम कभी कभी बहुत ज्यादा ही बोलने लगते हो।